मित्रों आईकेन गेट जॉब यूट्यूब चैनल में आपनु हार्दिक स्वागत है। मित्रों आपणे आ आपणी चैनल में अगाऊ अंग्रेजी ग्रामरना 15 जेटला विडियो ऑलरेडी अपलॉड करी चूक्या है। आजे आ 16 नंबर में विडियो में अंग्रेजी अंदर जो प्रेपोजिशन्स अंग्रेजी ग्रामर में प्रेपोजिशन्स करीने एक मोटू चैप्टर है जेना अंदर विविध प्रेपोजिशन्स है ए पैकी बिफोर एंड आफ्टर प्रेपोजिशन्सनो अहीं अभ्यास करीशुं। तो मित्रों बिफोर नो उपयोग अने आफ्टर नो उपयोग अंग्रेजी विधान अथवा तो वाक्य के सेंटेन्स में आप केवी रीते करी शकशो, बराबर छे। तेनो आपणे गुजराती में ख्याल मेळवीए। तो मित्रों शरूआत करिए बिफोर। बिफोर एटले शुं, बिफोर नो उपयोग क्यां करवो, केवी रीते करवो, केवा प्रकारना वाक्यों में करवो। तो बिफोर ने आप विविध अर्थ में एनो उपयोग करी शको छो। उदाहरण तरीके नी आगळ कोई वस्तुनी आगळ कोई अन्य वस्तु होय, नी पहला कोईना आगळ कंईक आवतुं होय, नी सामे, नी अगाऊ। तो आवा शब्द ज्यारे वाक्यमां आवता होय, नी आगळ, नी पहला, नी सामे, नी अगाऊ, त्यारे अचूकथी आपणे बिफोरनो उपयोग करवो पड़े। अने आ बिफोर जे छे ए कोई वस्तु व्यक्तिनुं स्थान के क्रम दर्शाववा माटे पण वपराय छे। अने मित्रों अहीं एक्झाम्पलमां ए ज वस्तु बतावी छे के फ्राइडे कम्स बिफोर सैटरडे। फ्राइडे एटले के शुक्रवार, कम्स एटले आवे छे, बिफोर एटले नी पहला, सैटरडे एटले शनिवार। मतलब एम थाय के शनिवार पहला शुक्रवार आवे छे। का तो तमे एम पण कही शको के शुक्रवार ए शनिवार पहला आवे छे। बाजुमां तमने जे 7 वारना नाम आप्या छे एमां पण एरोथी ए ज वस्तु बतावेली छे के शुक्रवार जे छे ए शनिवार पहला आवे छे। तो ना पहला, नी पहला अथवा तो नी आगळ, नी सामे, जो के आपणे नी सामेनुं उदाहरण जोवानुं बाकी छे जे आपणे जोईए। मित्रों बीजुं एक एक्झाम्पल छे के प्यून्स कम टू बैंक बिफोर धी मैनेजर। के कोई बैंक छे एना अंदर कर्मचारी तरीके प्यून छे, मैनेजर छे। तो प्यून जे छे ए मैनेजर पहला आवे छे। सवारे धार लो के मैनेजर 10:30-11 वागे आता हो तो प्यून है 9:30-9 वागे आता हो, साफ सफाई ना करवाना कारणे, बराबर है। तो प्यून्स कम टू बैंक बिफोर धी मैनेजर। मतलब एम थाय के पटावाड़ा जे छे ए मैनेजर नी पहला बैंके आवे छे। तो ना पहला, नी पहला एवं बतावू हो तो एना माटे अंग्रेजी में वर्ड थाय छे बिफोर। प्यून कम्स टू बैंक बिफोर धी मैनेजर, पटावाड़ा मैनेजर नी पहला बैंके आवे छे। त्यारबाद मित्रों अन्य एक्जाम्पल जोईए। माय मधर ऑलवेज गेट्स अप बिफोर मी। मित्रों नॉर्मल एवं होय छे के घर में अपना जो मम्मी होय छे ए घर में सौथी पहला उठे छे अथवा तो जागी जाए छे घर काम करवा माटे, बराबर। तो माय मधर मारा माता, ऑलवेज एटले हमेशा, गेट्स अप एटले उठे छे, जागे छे, बिफोर नी पहला अथवा तो अगाऊ, मी एटले मारा पहला। मतलब मारा मम्मी जे छे ए हमेशा मारा पहला अथवा तो मारा अगाऊ उठे छे के जागी जाए छे। तो मित्रों नी पहला, अगाऊ, नी अगाऊ एवा शब्दों माटे अंग्रेजी में वर्ड छे बिफोर, राइट। त्यारबाद मित्रों अन्य एक एक्जाम्पल जोईए। अने आ एक्जाम्पल में आपने एक पिक्चर एक फोटो बताव्यो छे। ए फोटा में एक शिक्षक छे अने शिक्षक कोई प्रश्न पूछ्यो हशे अने ए प्रश्नोनो उत्तर क्लास में बैठेला लगभग तमाम विद्यार्थीओने आवड़े छे एटले एमने हाथ ऊंचो कर्यो छे के अमने जवाब आवड़े छे। तो मित्रों आप अहीं विद्यार्थीओ जुओ अने विद्यार्थीनी सामे, नी सामे शिक्षक ऊभा छे। तो ज्यारे नी सामे एवो वाक्यमां शब्द आवतो होय, नी सामे, त्यारे आपणे बिफोर वापरवुं जरूरी बने छे। तो केवी रीते आपणे आ जे चित्र छे एमां जे टीचर अने शिक्षक छे एने आपणे एनी स्थान के स्थिति के क्रम रजू करवो होय तो केवी रीते करशो। तो मित्रों वाक्य तमने एक्जाम्पल स्क्रीन उपर ज छे। ध टीचर स्टेन्ड्स बिफोर धी स्टुडंट्स। टीचर एटले शिक्षक, स्टेन्ड्स एटले ऊभा छे, बिफोर एटले नी सामे, बराबर छे, धी स्टूडंट्स एटले विद्यार्थीओनी सामे। एटले मतलब थशे गुजराती में शिक्षक विद्यार्थीओनी सामे ऊभा छे। तो मित्रों आ रीते कोई वस्तु अन्य वस्तुनी सामे होय, कोई व्यक्ति अन्य व्यक्तिની સામે ઊભી હોય તો એના માટે પણ અથવા તો એ શબ્દનું અંગ્રેજી બિફોર થશે. The teacher stands before the students. શિક્ષક વિદ્યાર્થીઓની સામે ઊભા છે. જે રીતે મિત્રો આપણે બિફોર જોયું તો બિફોર આપણે ની આગળ, ની પહેલા, ની સામે, ની અગાઉ ના અર્થમાં ઉપયોગ કરતા હતા. તેનાથી વિપરીત પરિસ્થિતિમાં આપણે आफ्टरનો ઉપયોગ કરીશું. आफ्टरનો मतलब થાય છે ની પાછળ, ની પછી એટસેટ્રા. બરાબર, એટલે કે બિફોરનું વિરોધાર્થી એ आफ्टर છે. જે રીતે આપણે બિફોર કોઈ સ્થાન કે ક્રમ દર્શાવવા માટે વાપરતા હતા તેવી જ રીતે आफ्टर પણ આપણે કોઈ સ્થાન અથવા તો ક્રમ વગેરે દર્શાવવા માટે વાપરીશું. કેવી રીતે તો મિત્રો એક્ઝામ્પલ જુઓ. સેટરડે કમ્સ आफ्टर फ्राइडे. સેટરડે એટલે શનિવાર, કમ્સ એટલે આવે છે, आफ्टर એટલે પછી અથવા તો ના પાછળ, અને ફ્રાઇડે એટલે શુક્રવાર. શનિવાર હોય એ શુક્રવાર પછી આવે છે, બરાબર છે, અથવા તો એની પાછળ આવતો હોય છે. તો આપણે એમ પણ કહી શકીએ કે શુક્રવાર પછી શનિવાર આવે છે. બાજુમાં જે 7 વારના નામ લખ્યા છે એમાં પણ કદાચ એ જ વસ્તુ બતાવે છે કે શુક્રવાર જે છે એના પછી શનિવાર આવે છે. તો મિત્રો ના પછી કે ના પાછળ એવો ભાવાર્થ દર્શાવવા માટે અંગ્રેજીમાં વર્ડ છે आफ्टर. એક અન્ય એક્ઝામ્પલ જોઈએ. મનન સ્ટૂડ आफ्टर કર્મ. બે વ્યક્તિ છે, बराबर है, मनन और कर्म, एने आपणे नाउन पण कही शकशे, व्यक्तिवाचक नाम, बराबर है. तो बे व्यक्तिनी पोजिशन, ए लोकोनुं स्थान, कोनी पाछळ कोण छे, कोण आगळ छे, कोण पाछळ छे, ए वस्तु अहीं बतावी छे के मनन स्टूड आफ्टर कर्म. मनन जे छे ए कर्मनी पाछळ ऊभो हतो. स्टूड एटले स्टेन्ड एटले ऊभो छे अने एनो भूतकाळ स्टूड छे एटले ऊभो हतो. तो कर्म जे छे मनननी आगळ छे अने मनन छे ए कर्मनी पाछळ छे. तो मनननी जो स्थान स्थिति अहीं तमारे वर्णवी होय, बराबर छे, तो आप एम कही शको के मनन स्टूड आफ्टर कर्म. मनन कर्मनी पाछळ ऊभो हतो. कहेवानो मतलब छे के नी पाछळ, नी पछी एवा बधा शब्दोनो अंग्रेजी वर्ड छे आफ्टर. त्यारबाद अन्य एक्जाम्पल जोईए. ધ પ્રિન્સિપાલ વિલ મીટ યુ आफ्टर ફોર. પ્રિન્સિપાલ એટલે જે સ્કૂલમાં જે આચાર્ય હોય છે તેમની વાત થાય છે. વિલ મીટ ભવિષ્યકાળ બતાવે છે. વિલ મીટ એટલે મળશે, યુ એટલે આપને, તમને, आफ्टर એટલે પછી, અને ફોર. તો અહીં મિત્રો ફોર જે છે એ 4 વાગ્યા પછી એવું કહેવા માગે છે. એટલે ધ પ્રિન્સિપાલ આચાર્ય આપને 4 વાગ્યા बाद अथवा तो 4 वाग्या पछी, नी पछी, नी पछी एवो भाव दर्शावा माटे अंग्रेजी में वर्ड है आफ्टर. आचार्य आपने 4 वाग्या पछी मळशे. त्यारबाद मित्रों अन्य एक एक्जाम्पल है, जरूरी है जाणवू. क्रिया रजू करवा माटे पण आपणे आफ्टरनो उपयोग करीए छे. केवी क्रिया तो आपणे वारंवार आपणे व्यवहारु जीवनमां पण घणी वखत बोलीए छे के भाई प्राणीओनी पाछळ दौड़वू नहीं, बराबर है, कारण के करडे अथवा तो આપણને કોઈપણ રીતે હાર્મફુલ થઈ શકે. આપણે એમ પણ કહીએ છીએ કે ચાલુ બસે ચડવું નહીં, બરાબર છે, કોઈ બસ ચાલુ હોય તો ચડવું નહીં, એટલે કે ચાલુ બસની પાછળ પણ દોડવું નહીં. તેવી રીતે મિત્રો ઘણી વખત આકસ્મિક બનાવ બને છે કે ચાલુ ટ્રેને માણસો એની પાછળ દોડતા હોય તો પડી જાય છે અને પછી એક્સિડન્ટ થાય છે. કહેવાનો મતલબ છે કે આવી ક્રિયા દર્શાવવી હોય કે ડોન્ટ રન आफ्टर એ રનિંગ ટ્રેન. એટલે कोई रनिंग ट्रेन एट्ले कि चालू अथवा तो दौड़ती ट्रेन, बराबर है, कि कोई प्लेटफॉर्म उपरथी उपड़ी है और अन्य प्लेटफॉर्म पर जवा निकली है. तो एवी दौड़ती ट्रेन नी पाछळ, चालू ट्रेन नी पाछळ दौड़वू नहीं, बराबर है. एवं तमारे कहेवू होय तो डोंट रन. डोंट एट्ले न करो, रन एट्ले दौड़ो नहीं, बराबर है, न दौड़ो. आफ्टर नी पाछळ, आफ्टर एट्ले कि नी पाछळ ए रनिंग ट्रेन एट्ले चालू ट्रेन नी पाछळ दौड़शो नहीं, बराबर है. तो आ रीते पण आप आफ्टरनो उपयोग करी शकशो. तो मित्रों आ विडियोना अंदर आपणे बिफोर अने आफ्टरनो उपयोग क्यां अने केवी रीते थाय तेनो कम्प्लीट अभ्यास कर्यो. मित्रों आशा राखू छूं आपने आ विडियो गम्यो हशे. विडियो गम्यो होय तो एक लाइक अमारी सुधी पहोंचाडवा विनंती है. आपने आ विडियो केवो लाग्यो, आप हजू पण केवा प्रकारना विडियो इच्छो छो ते नीचे यूट्यूब कमेंट सेक्शन में लखीने जरूरथी जणावजो, जेथी करीने तमारी जे नीड्स छे, तमारी जे जरूरत छे ए मुजबना विडियो में बनावीने अपनी समक्ष रजू करी शकीए। मित्रों, आप अमारी चेनल में नवा हो, हजू सुधी सब्सक्राइब ना कर्युं होय तो रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करो और बाजू में जो बेल आइकॉन देखाय छे एना पर अचूक क्लिक करो, जेथी करीने आपनी जरूरत मुजबना विडियो ज्यारे पण अमारी चेनल में आई कैन गेट जॉब यूट्यूब चेनल में अपलॉड थाय त्यारे सौप्रथम आपने तेनुं नोटिफिकेशन आपना मोबाइल सुधी मळतुं रहे। तो मित्रों, आ विडियो जोवा बदल आभार आपनो, खूब खूब धन्यवाद।